बुंदेली केसरी छत्रसाल, धक धक धरती हो। सत्ता और संघर्ष की बड़ी चढ़ी घटनाओं से इतिहास भरा पड़ा है, परंतु स्वतंत्रता और सृजन के लिए जीवन भर संघर्ष करने वाले विरल ही हुए। मध्यकालीन भारत में विदेशी आतिथ्यों से सतत संघर्ष करने वाले छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप और बुंदेलखंड के श्री छत्रसाल के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय, परंतु जिन्हें उत्तराधिकार में सत्ता नहीं वरन शत्रु और संघर्ष ही विरासत में मिले हो, ऐसे बुंदेल केसरी छत्रसाल ने वस्तुतः अपने पूरे जीवन भर स्वतंत्रता और सृजन के लिए ही सतत संघर्ष किया। शून्य से अपनी यात्रा प्रारंभ कर आकाश की ऊंचाइयों का स्पर्श किया। उन्होंने विस्तृत बुंदेलखंड राज्य की गरिमा स्थापना नहीं की, वरन साहित्य सृजन कर जीवित काव्य भी रचे। छत्रसाल ने अपने 82 वर्ष के जीवन और 44 वर्षीय राज्यकाल में 52 युद्ध किए थे। शौर्य और सृजन की ऐसी उपलब्धि बेमिसाल है। इत जमता उत नर्मदा, इत चंबल उत टोस, छत्रसाल से ललन की नहीं रही कोई होश। वीरों और हीरो वाली माटी के इस लाडले सपूत ने कलम और तलवार से एक सी गरिमा प्रदान की थी। मूल ऊर्जा के केंद्र ओरछा बुंदेलखंड में सन 1531 से गढ़कुंडार के उत्तरांत ओरछाही राज्य के रूप में मूल ऊर्जा का केंद्र रहा है। आइए ऐसे इतिहास पुरुष छत्रसाल के बारे जीवन पढ़ते। छत्रसाल के पिता चंपत राय जब समय भूमि में जीवन मरण का संघर्ष झेल रहे थे, उन्हीं दिनों में ज्येष्ठ शुक्ल 3 संवत 1707 सन 1641 को वर्तमान टीकमगढ़ जिले के लिघोरा विकास खंड के अंतर्गत ककर कचनाए ग्राम के पास स्थित विंध्य वनों की मोर पहाड़ियों में इतिहास पुरुष छत्रसाल का जन्म हुआ। अपने पराक्रमी पिता चंपत राय की मृत्यु के समय मात्र 12 वर्ष के ही थे। वन भूमि की गोद में जन्मे, वन देवों की छाया में पले, वन राज से इस वीर का उद्गम ही तोप तलवार और रक्त प्रवाह के बीच हुआ। 5 वर्ष में ही इन्हें युद्ध कौशल की शिक्षा हेतु अपने मामा साहेब सिंह धंधेरे के पास देलवारा भेज दिया गया था। माता पिता के निधन के कुछ समय पश्चात ही वे बड़े भाई आनंद राय के साथ देवगढ़ चले गए थे। बाद में अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए छत्रसाल ने 12 वर्ष की कन्या देव कुमारी से विवाह किया, जिसने आंख खोलते ही सत्ता संपन्न दुश्मनों के कारण अपनी पारंपरिक जागीर छीनी पाई हो। निकटतम स्वजनों के विश्वासघात के कारण जिसके बहादुर माता पिता ने आत्महत्या की हो, जिसके पास कोई सैन्य बल अथवा धन बल भी ना हो, ऐसे 12-13 वर्षीय बालक की मनोदशा की क्या आप कल्पना कर सकते हैं? परंतु उसके पास था बुंदेली शौर्य का संस्कार, बहादुर माँ बाप पिता के अदम्य साहस और वीर वसुंधरा की गहरा आत्मविश्वास, इसलिए वह टूटा नहीं, डूबा नहीं, आत्मघात नहीं किया, वरन एक रास्ता निकाला। उसने अपने भाई के साथ पिता के दोस्त राजा जयसिंह के पास पहुंचकर सेना में भर्ती होकर आधुनिक सैन्य प्रशिक्षण लेना प्रारंभ कर दिया। राजा जयसिंह तो दिल्ली संतलत के लिए कार्य कर रहे थे, अतः औरंगजेब ने जब उन्हें दक्षिण विजय का कार्य सौंपा तो छत्रसाल को इसी युद्ध में अपनी बहादुरी दिखाने का पहला अवसर मिला। मंडूर 1665 में बीजापुर युद्ध में असाधारण वीरता छत्रसाल ने दिखाई और देवगढ़ के गोंडा राजा को पराजित करने में तो छत्रसाल ने जी जान लगा दिया। इस युद्ध के बाद राष्ट्रीयता के आकाश पर छत्रपति का सितारा चमक रहा था। छत्रसाल दुखी तो थे, उन्हें शिवाजी से मिलना ही इस परिस्थिति में उचित समझा और सन 1668 में वे दोनों राष्ट्रवीरों की जब भेंट हुई तो शिवाजी ने छत्रसाल को उनके उद्देश्यों, गुणों और परिस्थितियों का आभास कराते हुए स्वतंत्र राज्य स्थापना की मंत्रणा दी एवं समर्थ गुरु रामदास जी के आशीषों सहित भवानी तलवार भेंट की। इसके राज छतारे हम तुम ते कबहू नहीं न्यारे, दोर देश मुगल को मारो दपटी दली की दल संहारो, तुम हो महावीर मर्दाने करी हो भूमि भोग हम जाने, जो इतही तुमको हम राखे तो सब सुयस हमारे भासे। शिवाजी से स्वराज का मंत्र लेकर सन 1670 में छत्रसाल वापस अपनी मातृभूमि लौट आए।
परंतु तत्कालीन बुंदेली भूमि को स्थितियां बिल्कुल भिन्न थी। अधिकांश रियासत मुगलों के मानदार के पास थी। छत्रसाल के भाई बंधु भी दिल्ली में भिड़ने को तैयार नहीं थे। स्वयं उनके हाथ में धन संपत्ति कुछ नहीं था। दत्या नरेश सुपकरण ने छत्रसाल का सम्मान तो किया, पर बादशाह से बैर ना करने की ही सलाह दी। और छह सुजान सिंह ने अभिषेक तो किया, पर संघर्ष से अलग रहे। छत्रसाल के बड़े भाई रतन शाह ने साथ देना स्वीकार नहीं किया। तब छत्रसाल ने राजाओं के बजाय जन्मोमुखी होकर अपना कार्य प्रारंभ किया। कहते हैं उनके बचपन के साथी महाबली तेली ने उनकी धरोहर थोड़ी सी पैतृक संपत्ति के रूप में वापस की, जिससे छत्रसाल ने 5 घुड़सवार और 25 पैदलों की छोटी सी सेना तैयार की। ज्येष्ठ सुदी पंचमी रविवार विक्रम संवत 1728 सन 1671 के शुभ मुहूर्त में शाह आलम औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह की बिगुल बजाते हुए स्वराज स्थापना का बीड़ा उठाया। छत्रसाल के प्रारंभिक सेना में राजे रजवाड़े नहीं थे, अपुत तेली बारी मुसलमान मनिहार आदि जातियों के आने वाले सेनानी ही शामिल हुए थे। चचेरे भाई बलदेवी अवश्य उनके साथ थे। छत्रसाल का पहला आक्रमण हुआ उन्हें अपने माता पिता के साथ विश्वासघात करने वाले सेहरा के धंधेरे पर। मुगल महाकुंवर सिंह को ही कैद नहीं किया गया, बल्कि उसकी मदद को आए हसीम खां की धुनाई की गई और सिरोंज एवं तिबरा लूट डाले गए। लूट की सारी संपत्ति छत्रसाल ने अपने सैनिकों में बांटकर पूरे क्षेत्र के लोगों को उनकी सेना में सम्मिलित होने के लिए आकर्षित किया। कुछ ही समय में छत्रसाल की सेना में भारी वृद्धि होने लगी और उन्होंने धमोनी मेहर बांसा और पवाया आदि जीतकर कब्जे में कर लिए। ग्वालियर खजाना लूटकर सूबेदार मुनवर खां की सेना को पराजित किया। बाद में नरवर भी जीता। सन 1671 में ही कुलगुरु नरसिंह दास ने छत्रसाल को विजय आशीष दिया। 1671-80 की अवधि में छत्रसाल ने चित्रकूट से लेकर ग्वालियर तक और कालपी से गढ़कोटा तक प्रभुत्व स्थापित कर लिया। सन 1675 में छत्रसाल की भेंट प्रणामी पंथ के प्रेरणा संत प्राणनाथ से हुई, जिन्होंने छत्रसाल को आशीर्वाद दिया। छत्ता तोरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा मुख करे तित तित फतेह होए। राजी सब रैयत रहे ताजी रहे सिपाही, छत्रसाल ता राज को बार न बाको जाए। यही कारण था कि छत्रसाल को अपने अंतिम दिनों में वृहत राज्य के सुप्रशासन से 1,08,00,000 रुपए की आय होती थी। उनके एक पत्र से स्पष्ट होता है कि उन्होंने अंतिम समय में 14,00,000 रुपए के राज्य खजाने में छोड़े थे। प्रतापी छत्रसाल ने पोष शुल्क तृतीया सन संवत 1788 और दिसंबर 1731 को छतरपुर के निकट महू सहनिया के छुवेला ताल पर अपना शरीर त्यागा और विंध की अल्पता में भारतीय आकाश पर सदा सदा के लिए जगमगाते सितारे बन गए। छत्रसाल की तलवार जितनी धारदार थी, कलम ही उतनी तीक्ष्ण थी। वे स्वयं कवि तो थे ही, कवियों को श्रेष्ठतम सम्मान भी करते थे। अद्वितीय उदाहरण है कि वे कवि भूषण के बुंदेलखंड में आने पर आगवनियों में जब छत्रसाल ने उनकी पालकी से अपना कंधा लगा दिया तो भूषण कह उठे, और राव राजा एक चित्र न लाऊं, अब साठू को सिहिरो के सिहिरो छत्रसाल को। बुंदेलखंड ही नहीं, संपूर्ण भारत देश ऐसे महान व्यक्तित्व के प्रति पीढ़ी दर पीढ़ी कृतज्ञ रहेगा।